अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जान अहमद एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग टुडेज़ वीडियो इज़ टू गाइड यू अबाउट द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ ईटा 2023। एज यू ऑल नो के केमिस्ट्री में देर आर 56 MCQs और दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल इन योर ओवरऑल मार्क्स। केमिस्ट्री को जब भी पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है तो इट कैन बी स्प्लिट इन टू थ्री कम्पोनेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है। एंड थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो कि मोस्टली लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें आपको पहले प्रिपेयर करनी है, कौन सी बात में प्रिपेयर करनी है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास हाइड्रोकार्बन, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्साइलिक एसिड्स के चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स में मोस्टली रिएक्शंस हैं, तो आपको अपनी ग्रिप जो है रिएक्शंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग करनी है। और उसका बेस्ट मेथड यह है कि आपको हर चैप्टर में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में मैंने ये रिएक्शन पढ़ा, इस रिएक्शन का ये रिएजेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। वो रिएक्शंस एक से ज्यादा दफ़ा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन अगर आप अल्कीन्स की रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं तो मे बी आप उसको अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, तो ये रिएक्शंस इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। और रिएक्शंस को माइंड में रखने का बेस्ट वे ये है कि आप एक समरी बना लें। एक आपको पता होना चाहिए अगर मेरा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है तो उसमें हाइड्रोजनेशन, हैलोजनेशन, हाइड्रोहैलोजनेशन, पॉलीमराइजेशन, एपोक्सीडेशन, ये वाले रिएक्शंस हैं और ये इनके रिएजेंट्स हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसी तरह आप एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक रिडक्शन रिएक्शन में क्लीमेंसन है, वुल्फ किशनर है, और इसी तरह ऑक्सीडेशन में आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट है। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा ये वाला रिएक्शन मैंने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था और इसका ये वाला रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू जब पेपर में सॉल्व कर रहे हो तो आपको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उसमें रिएक्शन की कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रिएक्शन है एल्कीन्स का विद द हैलोजन, अगर वो एक्वियस मीडियम में हो रहा है तो वो आपके पास हेलो अल्कोहल्स प्रोड्यूस करेगा, अगर वो आपके पास एक मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो दीज आर द माइन्यूट डिटेल्स जो कि आपको देखनी पड़ती हैं और जो कि आपको ट्रिक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एज यू नो कि अभी आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं जिनमें आप अच्छी रिविजन कर सकते हैं, सो माई सजेशन वुड बी कि आप इन दिनों को यूटिलाइज करें। तो यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, अब इस टाइम में आई होप सो कि यू हैव कम्प्लीटेड योर स्टडी, अब आपको रिविजन ही करनी होगी। तो ऑर्गेनिक की रिविजन के लिए तरीका आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेक अ शॉर्ट समरी या फिर आप रफली सारे रिएक्शंस और उनके रिएजेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स, डिटेल नहीं, ओनली देयर रिएजेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, उसको लिख लें और डेली उसको रिवाइज करें। रात को सोने से पहले रिवाइज कर लें, सुबह उठ के रिवाइज कर लें, मतलब उनको जब आप डेली रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में एक तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिटी ऑफ अल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांस अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, एसएस अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। उसके अलावा यू मे गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। मूविंग टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसके अलावा ग्रुप 8। रीजन आई आस्क यू अबाउट ग्रुप 8 क्योंकि ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गैस करनी होती हैं। तो यू मस्ट नो, फॉर एग्जाम्पल, हीलियम का एटोमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, ऑर्गन का 18 है, सो यू मस्ट नो दैम अप फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस तरह डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो है वहाँ पर मोस्टली एक से दो क्वेश्चन लाजमी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पर आते होते हैं। अब बात करते हैं इन ऑर्गेनिक को टैकल करने की। इन ऑर्गेनिक को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो आप उसको थॉरो रीड दें, दूसरा आपको ट्रेंड्स की एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए। एक्सेप्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रेंड्स। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दैट वो जो आपका बुक पे लिखा हुआ है दैट्स ओके, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका एक्सेप्शंस की बेस पर पूछा जाएगा। यू मस्ट नो द एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ऑल अदर दोज। उसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक में जो बेसिक रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के रिएक्शंस हैं, इनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन उसके अलावा ट्रेंड्स ऑफ कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इनको भी आपको देखना है और इनमें से MCQs लाजमी आता है। एक MCQ लाजमी ट्रेंड्स ऑफ कार्बोनेट्स सल्फेट्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स थर्मल स्टेबिलिटी इससे रिलेटेड MCQ आते होते हैं। नाउ आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स द फिजिकल केमिस्ट्री। द फिजिकल केमिस्ट्री इज अ वेरी डाइवर्स एंड ओपन फील्ड। उसमें आपको स्टोकियोमेट्री भी करना है, उसमें आपको लिक्विड्स गैसेस भी करना है एंड देन थर्मोकेमिस्ट्री एंड ऑल दोस चैप्टर्स जो कि डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप चीज़ों को सम अप नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू द ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द बुक और दैट मे कम एज एन MCQ, दैट मे बी यूटिलाइज्ड एज अ कॉन्सेप्ट टू मेक एन MCQ। तो आपको थॉरो रीड देना पड़ता है फिजिकल केमिस्ट्री में, अनलाइक ऑर्गेनिक जहाँ पर आप एक रिएक्शन को सम अप करके याद कर सकते हैं, माइंड पर रख सकते हैं और कॉन्सेप्ट की बेस पर आप और रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको A to Z सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इनऑर्गेनिक में बहुत से इस तरह के चैप्टर्स हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं। एग्जाम्पल आपके पास स्टोकियोमेट्री है, गैसेस में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो द राइट ट्रिक और थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नो द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक MCQ आ गया, द 4 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं 23 grams ऑफ सोडियम या फिर 23 × 4 grams ऑफ सोडियम, इसी तरीके से 6.023 × 10⁴ पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम और डी में आ जाता है ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन को एक मिनट में तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज हो। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का मोलर मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम्स, वॉल्यूम, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस MCQs। फिर बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। दीज चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स प्लस आपने इसको बुक से कितनी दफ़ा रीड दी है। जितनी दफ़ा आप बुक से रीड देते हैं इन चैप्टर्स को, आपको उतना स्ट्रॉन्ग आइडिया हो जाता है कि ये MCQ किस चीज़ से रिलेटेड है। एज यू नो कि अभी आपके पास 12 से 13 दिन रहते हैं, तो वट कैन बी योर स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री? दैट इज़ वेरी सिंपल। आपके पास अगर 10 से 12 दिन है तो आप सबसे पहले वो वाली चीज़ें करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म रह सकती हैं आपके माइंड में। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग जो आपको इजीली भूलती नहीं है। वंस यू प्रिपेयर इट, आपके 5-6 दिन 7 दिन वो आपके माइंड में रहती है चीज़। और सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक को प्रिपेयर करना चाहिए, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और रिएक्शन को तो आपने डेली साइड बाई साइड लेकर चलना ही है। दूसरी चीज़ आपके पास इनऑर्गेनिक आ जाती है। इनऑर्गेनिक में आपके ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस जो हैं उनके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है और उनको भी आपने किसी जगह नोट कर लेना है इन अ शॉर्ट नोट फॉर्म में। और तीसरा फिर आपके पास लास्ट में आपके पास बच जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले आप जो कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट में आप जो क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन दिस वे यू कैन कवर केमिस्ट्री इन 10 to 12 days। एंड अनदर थिंग, आई हैव सीन पीपल, फॉर एग्जाम्पल अब स्टोकियोमेट्री का चैप्टर है तो वो स्टोकियोमेट्री के चैप्टर में रिविजन के नाम पर सारे फार्मूलाज को पढ़ रहे होंगे, उसके अलावा जो बेसिक उसमें डेफिनेशन है उसको पढ़ रहे होंगे। बट दैट्स टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। आपको पता है कि आपके टेस्ट में MCQs किस बेस पर आएंगे? आपको पता है कि स्टोकियोमेट्री में कभी आपको कोई MCQ स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन की बेस पर नहीं आ रहा, किसी का फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी वो होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो होगा आपका सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस के दौरान, अपने इस टाइम के दौरान इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट स्कोर वेल इन स्टोकियोमेट्री। तो रिवीजन करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिवीजन उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपके एग्जाम में या टेस्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स सिक्योर करना इजी भी होता है और मुश्किल भी होता है। इजी इन अ सेंस के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो होता है वो होता है सिली मिस्टेक्स का या टाइनी मिस्टेक्स का। मतलब आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका सारा कॉन्सेप्ट होते हुए भी आप MCQ गलत कर लेते हैं। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरे साथ भी हुआ है एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक। 2 से 3 MCQ थे, आई न्यू द कॉन्सेप्ट, लेकिन वहाँ पर इतना टेंस इन्वायरमेंट होता है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही होती हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा कीन होकर MCQ को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक MCQ आया था, दैट वॉज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स।
वहां पर आपके पास एग्जांपल्स एल्केन की दी हुई थी और बताया इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ एलडीएफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. लेकिन व्हाट आई थॉट वाज के दिस एमसीक्यू इज समथिंग रिलेटेड टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन जो साइक्लो एल्केन्स में होता था वो एल्केन्स में नहीं होता था. तो आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दैट कॉन्सेप्ट के मेल्टिंग पॉइंट में इवन नंबर का हाई होगा ऑड का लो होगा. एग्जांपल कोई रिएक्शन होता है जिसको आप एंडोथर्मिक को एक्सोथर्मिक समझ लेते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन लगा देते हैं एंड देन यू गो विद द रॉन्ग choice. So you have to be very sharp and keen while solving the MCQ. And a very short time is left, so I wish you very best of luck.